सभी मतदाता बंधुओं को राजा भाई का नमस्कार। सभी को पता है कि आगामी 29 तारीख को बेगूसराय की जनता देश का भविष्य तय करने जा रही है। अतः आप सभी से निवेदन करता हूं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास और समृद्धि और सशक्त राष्ट्र के लिए मतदान करें, ताकि देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो सके। जी बिल्कुल, हम बेगूसराय के तमाम महिलाओं से निवेदन करते हैं, एक नए भारत की सपना को साकार करें। सबका साथ, सबका विकास, जय भाजपा, जय भाजपा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप जानते हैं कि बेगूसराय का जो जमीनी लड़ाई हो रही है, उसमें गिरिराज सिंह, तनवीर हसन और कन्हैया कुमार प्रमुख उम्मीदवार में से माने जा रहे हैं। लड़ाई को लोग त्रिशंकु बता रहे हैं, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि ने सीधे तौर पे कहा है कि ये लड़ाई गिरिराज सिंह और तनवीर हसन के बीच है, कन्हैया कुमार कहीं दिख नहीं रहे। जबकि कन्हैया कुमार ने पूरी ताकत लगा दी है कुछ वर्ग विशेष के वोटरों को लुभाने के लिए। उन्होंने कई स्टार प्रचारक को भी अपने खेमे में शामिल किया है। विगत कुछ दिनों से प्रकाश राज आए हुए थे और अभी जावेद अख्तर और सबाना आजमी भी आए हुए हैं। क्या कहते हैं यहाँ के प्रतिनिधि कि सबाना आजमी और जावेद अख्तर का कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है यहाँ के वोटरों पर? उनका प्रभाव यहाँ कुछ पड़ने नहीं जा रहा है। यहाँ सिर्फ जो है मोदी जी का ही लहर है और उनका कोई प्रभाव दूसरे प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, सवाना आदमी हो या जावेद अख्तर जी हो, इस सब का कहीं से कोई प्रभाव पड़ने वाला बेगूसराय जिला के नागरिक पर नहीं। जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि अगर कन्हैया को वोट नहीं दो तो भाजपा को वोट दो। ये तो जावेद अख्तर जी क्या बोले हैं तो ही। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ से गिरिराज सिंह निकल रहे हैं? हाँ, गिरिराज सिंह निकल रहे हैं और भारी मतों से निकल रहे हैं। इसमें कहीं कोई जो है मतलब दिक्कत नहीं है, पूरे जनमत उनके साथ है, सारे वर्ग के लोग उनके साथ हैं और मोदी जी का जैसा लहर है, पूरा वोट उन्हीं को जा रहा है, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, लाख दो लाख वोट। लेकिन विरोधियों का कहना है कि गिरिराज सिंह यहाँ पे मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, वो जनसंपर्क सबसे कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, हर एक पंचायत जा रहे हैं, हर एक गांव जा रहे हैं, दूर तोड़ दूर सबसे मिलजुल रहे हैं और बस यही है। आपको मतलब क्या लगता है, लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जुमला देते हैं, बेगूसराय के लिए क्या किया है? बेगूसराय के लिए बहुत कुछ किए। देखिए सिमरिया का जो है वहाँ 4 लाइन दिए 6 लाइन दिए हैं, उसके बाद फर्टिलाइजर जो बंद पड़ा हुआ था उसको वह चालू करवाने का काम कर रहे हैं और रिफाइनरी जो है उसको जो है विस्तार कर रहे हैं। तो काम तो बेगूसराय के लिए बहुत कुछ दिए हैं प्रॉपर बेगूसराय, और देश के लिए तो बहुत इतना कुछ दिए हैं, जैसे शौचालय हो गया, गैस हो गया, यह सब जो है से आज से 20-30 वर्ष पहले हो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी जो आज तक नहीं हुआ, जो कि नरेंद्र जी आए प्रधानमंत्री के रूप में और उसके बाद जो है सारा विकास का काम किए, गैस का किए हैं, शौचालय का किए हैं, जबरदस्त जो एकदम मूल जरूरी था व्यक्ति का, उसमें वह जो है से प्रोत्साहन राशि दे के गांव गांव घर घर, और उसके बाद नीतीश बाबू का जो है 7 निश्चय वाला जो है गली नली योजना, वह भी बहुत सुंदर काम हुआ है और गली गली, हम लोग तो पंचायत का मुखिया है तो हम लोग तो देख रहे हैं कितना फंड दे रहे हैं, हम लोग इतना काम किए हैं कि अब कोई समस्या ही नहीं बचा है, और जो थोड़ा बहुत समस्या है और ये लग रहा है कि 2019 का जो चुनाव है अगर प्रधानमंत्री को जिता के भेजे, फिर 21 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें नीतीश जी को अगर भेज दिया जाए, उसके बाद बाकी का कुछ समस्या बचेगा ही नहीं, ना बिहार में ना हिंदुस्तान में। इस बार पहली बार यह चुनाव में एक चीज सामने नजर आ रही है कि विरोधी कुछ भी
बिजली के मुद्दे पे और सड़क के मुद्दे को लेकर के कभी कुछ बोल नहीं पा रहे। इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, उनको बोलने का जगह ही नहीं है, इसलिए कि बिजली में घर घर तक बिजली चला गया। अब जो है ऐसे खेत तक बिजली जाना है, वो भी 2024 तक खेत तक भी बिजली चला जाएगा। अभी तक तो गांव गांव तक जो ऐसे बिजली जो है ऐसे लग चुका है। सड़क भी जहाँ टूटा हुआ था वहां भी सड़क बन गया, गली नली सारा चीज बन गया। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वह भी जो है अगले सत्र में बन जाएगा। विरोधी बोलने का जगह ही नहीं है, वो तो शब्द लांटेन में रखा है, लांटेन की ही बात करेगा। तनवीर हसन यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार है, आपको लगता है कि तनवीर हसन शिकस्त दे पाएंगे? नहीं, कहीं शिकस्त नहीं दे पाएंगे। लेकिन उन मतलब जब हम बात करते हैं उनके समुदाय विशेष के लोगों से, तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि उनमें तो खेमा बना हुआ है कि कुछ लोग कन्हैया के पक्ष में बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कन्हैया की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, हमें उनकी आइडियोलॉजी बहुत पसंद आती है, कुछ लोग कहते हैं कि हम तनवीर हसन को जिताना चाहते हैं। देखिए राजा कन्हैया जी का, कन्हैया जी तो जान रहे उन पर जो है देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज है, और वह जो है मोदी जी के नाम पर कुछ बोल के सिर्फ लाइट में आ गए हैं, उनका तो छवि देशद्रोह का है, उससे ज्यादा उनका है नहीं। और आ गया तनवीर हसन की बात है, वह तो आज तक कोई चुनाव ही नहीं जीते हैं और इस बार वो भी जीतने नहीं जा। तो आप मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है, नगर उपाध्यक्ष बलिया स्वयं ने कहा है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है कि कन्हैया कुमार को यहाँ से लड़ाया जा रहा है, जो भाजपा ने ऐसा किया है कि वो यहाँ से लड़े। नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, भाजपा कहीं से उसको नहीं लड़ा रहे हैं, वो अपना कम्युनिस्ट का कैडर है, कम्युनिस्ट से उनको टिकट मिला है, बस वही सुलग है, इसमें बात करते हैं।